शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में पोहरी SDOP SS मुमताज के नेतृत्व में थाना प्रभारी सहित पुलिस बल ने पोहरी शिवपुर रोड पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग लगाई, जहां बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बता दें कि न्यायालय के आदेश के बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस सख्त हो गई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन ना चलाएं। इसके बावजूद लोग सड़क पर फराटे भरकर दौड़ रहे हैं। ऐसे में थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन के नेतृत्व में उप निरीक्षक रूपेश शर्मा ने पुलिस बल के साथ पोहरी शोपुर रोड पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों पर चालानी कार्यवाही की है। साथ ही लोगों को हिदायत दी है कि बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं, जिससे कि आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। हेलमेट से चालक की सुरक्षा बनी रहती है। के द्वारा भी वाहन चेकिंग लगाई है, क्या कुछ उद्देश्य है और क्या समझाइश दी जा रही है और क्या कुछ चालानी कार्रवाई? ये पुलिस मुख्यालय द्वारा जो जारी हमारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि यातायात सप्ताह का शुभारंभ किया गया है, इसमें जो आम जनता है उसको यातायात के नियमों जागरूक करना और जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं खासकर उन लोगों को थोड़ा सा प्रेरित करना, पब्लिक को, जनता को, आम जनता को यातायात के नियमों के प्रति और अपनी खुद की स्वयं की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। क्या सर लोगों में जागरूकता नज़र आ रही है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी परिवेश में थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, लोगों से कई बार उनके सवालों का जवाब भी देना पड़ता है, बहस भी होती है, लेकिन उसको लोग अन्यथा ना लें। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी का चालान काटने का उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना कि वो उस पैसे की अपेक्षा आप जो आप चालान में यूज करते हैं उसको आप अपना हेलमेट परचेज करिए, उसको लगाइए और फिर सुरक्षित यात्रा करिए, ये हमारा उद्देश्य है।